हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है निष्ट समीकरण। तो निष्ट समीकरण क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है निष्ट समीकरण, और यहाँ पर हमने निष्ट समीकरण में क्या बताया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। परंतु यदि आपको इसको याद करना है तो जो आपको समझाया जाए यहाँ पे केवल आपको समझने पर अभी ध्यान देना है, उसके बाद जब हम कहेंगे तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। तो देखिए, निष्ट समीकरण में हमें क्या बताया गया, निष्ट समीकरण में हमें बताया गया कि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी ताप हो, ठीक है, किसी ताप पर, ध्यान से समझेंगे, कोई भी ताप हो तो किसी ताप पर किसी धातु इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, मतलब किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और तीसरा धातु आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है। देखिए, ये तीन चीजें हमने लिखा है, ये हमने लिखा है इलेक्ट्रोड विभव, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये है धातु आयनन की सांद्रता। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है वही हमें इस समीकरण में बताया गया है जो है निष्ट समीकरण। समझ में आया? देखिए, हमने केवल यही बताया कि निष्ट समीकरण में तीन चीजों के बारे में संबंध बताया गया है। अब वो कौन कौन सा है? पहला है पहला है इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ई नोट ये लिखा गया है, इसका मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और तीसरा यहाँ पे एम जो है वो धातु है, कोई भी धातु, तो धातु ये N प्लस है मतलब आयन है, तो धातु आयन की सांद्रता, ये कोष्ठ में बंद है तो इसको हम कहेंगे सांद्रता, तो धातु आयन की सांद्रता। अब इन तीनों चीजों में क्या संबंध होता है यही निष्ट समीकरण में हमें बताया गया है। तो यदि आपको ये इस समीकरण में यदि आ जाता है कि निष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और ये क्या है, ये है धातु आयन की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता, ये तीन चीजें हैं। अब देखिए आप याद इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे निष्ट समीकरण के अनुसार, निष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड विभव, धातु के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है, यही बात आपको लिखना है। देखिए आप क्या कहेंगे, निष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर धातु के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है, यही बात आपको बोलना है। और यही बात हमने यहाँ पर लिखा भी है, हमने क्या लिखा है, निष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड का विभव, कोई भी धातु है उसी का ना इलेक्ट्रोड का विभव होगा, तो धातु इलेक्ट्रोड का विभव, फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, तथा विलयन में धातु आयनन की सांद्रता, कोई भी विलयन है उसके धातु आयन की सांद्रता, यहाँ पे एम एन प्लस अकोष्ठ में इसको बंद कर दिया गया है, में निम्नलिखित संबंध होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक बार और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको जो बोला जाए वही आपको लिखना है, जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे लिखा है एकदम सेम टू सेम वही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोला जा रहा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे निष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। तो आशा करते हैं इस प्रकार आप इस समीकरण को याद कर लेंगे, अब बोल देंगे, ठीक है, यही तीनों चीजों में संबंध बताया गया है। और वो संबंध क्या है उसको हम देख लेते हैं, इसके बाद आपको ये संबंध लिखना होगा, जो एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, जो है E इज इक्वल टू ई नॉट
2.303 RT/NF log 10 1 अपान कोष्ठ में MN प्लस कोष्ठ बंद। ये आपको याद रखना है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बंद कर दूं जिससे आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। जहाँ पर हमने E लिखा है, E इक्वल टू E0 2.303 RT/NF log 10 1 अपान MN प्लस अकोष्ट में बंद कर दिया गया है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर E0 क्या है। तो E0 अभी हमने बताया है क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R क्या है, तो R को आपको याद रखना है, R इक्वल टू आप लिख लेंगे गैस नियतांक। ठीक है जी। अब यहाँ पे T क्या है, तो T है परम ताप। ठीक है, यहाँ पे N क्या है, तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर F क्या है, तो F आपको याद रखेंगे फैराडे नियतांक। अब भैया फैराडे नियतांक का आप तो जानते ही होंगे मान कितना होता है, तो होता है 96,500 कूलाम इंटू क्या होता है, मोल इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखेंगे 96,500 कूलाम प्रति कूलाम इंटू मोल इनवर्स होता है जो है एफ, मतलब फैराडे स्थिरांक है। और उसके बाद ये तो आप जानते हैं कोष्ठ में एम एन प्लस, ये कोष्ठ में इसका मतलब क्या है कि कोई भी विलयन है उसके धातु, ये एम क्या है धातु है, एन प्लस क्या है आयन है, तो धातु आयन की सांद्रता, कोष्ठ में बंद है तो सांद्रता कहेंगे, तो धातु आयन की आयनों की सांद्रता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला, उसके बाद ये नीचे आपको लिख देना है। तो आप क्या कहेंगे, तीन चीज़ों में संबंध बताया गया है, एक बार और मैं बता दूं, पहला E, फिर से E0 और तीसरा MN प्लस कोष्ठ, ये तीनों चीज़ों में संबंध बताया गया है निष्ठ समीकरण में। आप लिखेंगे निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा किसी विलयन के धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है, यही है आपका निष्ठ समीकरण। तो आशा करते हैं कि आपको निष्ठ समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे केमिस्ट्री में वो सब हम कराएंगे। आगे चल के आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, और जो फिजिक्स है उसका अभी आपका सिलेबस चल रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज सिक्वेंस में हम एक एक करके उसको पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री का आप जानते ही हैं कि टाइम ना होने के कारण केवल ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आपको उसको पढ़ाई कर सकते हैं बेसिक से, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर भी क्लिक करके भी आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।